अश्वत्थामा मारा गया जब महाभारत की ट्रिक से तय हुआ था देश के प्रधानमंत्री का नाम। चलिए आज आपको बताते हैं ये दिलचस्प कहानी है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। महाभारत का एक बेहद लोकप्रिय प्रसंग है अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया था। गुरु द्रोण के पराक्रम से पांडवों में खलबली मच गई थी। उनके विजय रथ को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से गुरु द्रोण तक ये खबर पहुंचाई कि अश्वत्थामा मारा गया। दरअसल ये एक परपंच था। जिस अश्वत्थामा को मारा गया था वो एक हाथी था, लेकिन इस परपंच को इस तरह से रचा गया कि गुरु द्रोण को लगा कि युद्ध में उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए जिसके बाद उनका वध कर दिया गया। इस हजारों साल पुराने किस्से को इसलिए बताया गया है क्योंकि इसी तर्ज पर 1989 में एक बड़ा दाव खेला गया था। शतरंज की बिसात पर बिछाकर जिसे प्रधानमंत्री बनाने की योजना बनाई गई उसी ने उल्टा दाव चलकर पूरा खेल पलट दिया। बात 1989 के चुनाव की है। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस उस सफलता को दोहरा नहीं पाई जो उसने 1984 के चुनाव में हासिल की थी। बोफोर्स घोटाले में घिरी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वह बहुमत से कोसों दूर थी। राजीव गांधी यह तय कर चुके थे वह सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे और विपक्ष में बैठेंगे। इस मौके को बखूबी भुनाया वीपी सिंह की अगुवाई वाली जनता दल, लेकिन पेच ये था कि जनता दल में सत्ता के दो केंद्र थे, एक तरफ वीपी सिंह, दूसरी तरफ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि उनका जूनियर यानी कि वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। यही वजह थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए ताल ठोक, लेकिन वो जल्द समझ गए थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं। ऐसे में उन्होंने देवीलाल पर बड़ा दाव चला। इसमें कोई शक नहीं था कि जनता दल के सांसदों का बहुमत वीपी सिंह की तरफ था जिन्होंने बोफोर्स सौदे में हुई गड़बड़ियों को प्रमुख चुनाव मुद्दा बनाया था। लोकसभा चुनाव में जनता दल की जीत एक तरफ से वीपी सिंह की व्यक्तिगत जीत, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर वीपी सिंह और देवीलाल के बीच होने वाला ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं है में इस घटना का पूरा जिक्र करते हुए बताते हैं, मैं देवीलाल को अच्छी तरह से जानता था, मैं मुकाबले की सुबह उनसे मिला था। वे अपने आप को लेकर किसी तरह के भ्रम में नहीं थे। उन्होंने खुद कहा था कि वीपी सिंह बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन उनकी परेशानी ये थी कि चंद्रशेखर को जुबान दे चुके थे कि वो इस मुकाबले में जरूर उतरेंगे। नय्यर अपनी किताब में आगे बताते हैं, मैं जानता था कि वीपी सिंह का रास्ता रोकने की मुहिम चंद्रशेखर ने ही शुरू की थी। खुद देवीलाल उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। चंद्रशेखर उस तरह के नेता थे जो अपनी बात न मरवा पाने की स्थिति में या तो पार्टी तोड़ देते या उसे छोड़ देते। देवीलाल ने चंद्रशेखर को उड़ीसा भवन बुलाया था, वे मुझे भी अपने साथ ले गए। वहां चंद्रशेखर के अनुरोध पर बीजू पटनायक पहले से मौजूद थे। यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अगर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तो पार्टी टूट जाएगी। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने मधु दंडवते को देवीलाल का नाम प्रस्तावित करने के लिए कहा था जिसका वे अनुमोदन करेंगे। चंद्रशेखर के कड़े तेवरों को देखकर मैंने देवीलाल से अनुरोध किया कि उन्हें चंद्रशेखर का फार्मूला स्वीकार कर लेना चाहिए। देवीलाल ने ऐसा ही किया। आगे इस किस्से का किताब में जिक्र करते हुए नय्यर बताते हैं, मैं और देवीलाल कार से संसद भवन जा रहे थे। मैंने देवीलाल को अपना फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि उन्हें अपना नाम प्रस्तावित और अनुमोदित होने के बाद खड़े होकर खुद ही अपना नाम वापस ले लेना चाहिए और वीपी सिंह का नाम प्रस्तावित कर देना चाहिए। देवीलाल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए राजी हो गए और अश्वत्थामा मारा गया। किताब में कुलदीप नय्यर इस पूरे वाक्य के बारे में लिखते हैं, संसद भवन में पार्टी के सांसद नेता के चुनाव के लिए जमा हो चुके थे तो वहीं देवीलाल चंद्रशेखर को धोखे में रखते हुए हिचकिचा रहे थे। मैंने उनकी हिम्मत बंधाते हुए उन्हें महाभारत का एक प्रसंग सुनाया। युधिष्ठिर ये कहने के लिए राजी हो गए थे कि अश्वत्थामा जो कि एक हाथी का नाम था युद्ध में मारा गया।
कौरवों की सेना में इसी नाम का एक योद्धा था जिसने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे। युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन पांडवों ने उनके कथन को कौरवों में खलबली मचाने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने देवीलाल से कहा कि उनके नाम के प्रस्ताव और अनुमोदन के बाद चंद्रशेखर को दिया उनका वचन पूरा हो जाएगा, भले ही एक मिनट के बाद ही वे किसी दूसरे का नाम प्रस्तावित कर दें। देवीलाल को मेरी बात समझ में आ गई। इस गुप्त फॉर्मूले की जानकारी मेरे और देवीलाल के अलावा सिर्फ पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार को थी। उधर संसद में मधु दंडवते ने देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया और योजना अनुसार चंद्रशेखर ने इसका अनुमोदन किया। देवीलाल मेरे साथ हुई बातचीत पर कायम रहते हुए अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना नाम वापस लेकर और वीपी सिंह का नाम प्रस्तावित कर हर किसी को चौंका दिया। सब कुछ इतनी तेजी से और इतना अचानक हुआ कि कोई भी वीपी सिंह के नाम का अनुमोदन करने के लिए सीट से खड़ा नहीं हुआ। कुछ देर के असमंजस के बाद जब सदस्यों को समझ में पूरी बात आई तो अजीत सिंह ने उठकर वीपी सिंह के नाम का अनुमोदन किया। इस तरह से वीपी सिंह सर्वसहमति से संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। इस दौरान एक और दिलचस्प बात यह हुई कि देवीलाल ने घोषणा कर कहा कि वो ताउम्र ताऊ ही बने रहना चाहते थे। बाद में वीपी सिंह ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाकर उनके बढ़पन का सम्मान किया। तो ऐसे इस पूरे प्रसंग के साथ वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। आपकी इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।